नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। वर्ष इनोवेशन ने ऐलान किया है कि उसके मार्की ग्लोबल इन्वेस्टर्स, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड, लक्जरी कैपिटल्स, सुमेरु वेंचर्स और अन्य से ताजा फंडिंग राउंड में 805 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए निश्चित दस्तावेज जुटाए और हस्ताक्षर किए। वर्ष इनोवेशन भारत का सबसे बड़ा स्थानीय भाषाओं वाला टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। चीन में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के ये झटके चीन की सिचुआन प्रांत में महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 थी। गनीमत यह रही कि इस भूकंप में अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी कि 6 अप्रैल को कहा है कि भारत के मजबूत स्वतंत्र रुख ने उसे बिना किसी वैश्विक दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की अनुमति दी है। रूस यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया दो खेमों में विभाजित है, भारत मानवता के लिए एक स्वतंत्र रुख अपना सकता है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान अब तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी मरीज की जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि उसने राज्यों में ऐसे लोगों का ब्यौरा देने को कहा था जिनकी जान ऑक्सीजन की कमी के कारण गई हो। देश की सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है जिसमें याचिकाकर्ता ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया है कि चुनावी बॉन्ड सिस्टम की खामियों से संबंधित यह याचिका पिछले साल से लंबित है। हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसको लेकर हर कोई हैरान है। खबर यह है कि एक एड्स संक्रमित महिला ने अपने भतीजे के साथ ही संबंध बनाया ताकि उसे भी मरीज बना सके। ये मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर का है। वायरल कच्चे बादाम पर कई लोगों ने डांस कर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। सेलिब्रिटी भी इसके लिए पीछे नहीं रहे। मूंगफली बेचने वाले भुवन बायटकर का कच्चा बादाम सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अब इसी सॉन्ग पर थिरकती हुई पीवी सिंधु नजर आई है जिनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड सरकार के 6 विभागों में 2300 पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। ये नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने आयोग को अधियाचना भेज दी है। ये भर्तियां 32 अलग अलग पदों पर होगी। ये बहाली स्वास्थ्य विभाग, कार्मिक विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन और पथ निर्माण विभाग में होगी। गर्मी के कारण इन दिनों स्कूली बच्चे परेशान हैं। जिले में काफी संख्या में स्कूलों का संचालन भी सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक हो रहा है। तेज धूप के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभिभावक बच्चों के बीमार होने की सूचना लेकर स्कूल भी पहुंच रहे हैं। वहीं इसका असर शिक्षकों पर भी पड़ रहा है। अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने कहा है कि दुनिया अधिक अस्थिर हो रही है और चीन और रूस सहित महान शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। मिले ने यूएस हाउस की सशस्त्र सेवा समिति को बताया कि अब हम दो वैश्विक शक्तियों चीन और रूस का सामना कर रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के पास महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं हैं। दोनों जो वैश्विक व्यवस्था के आधार पर नियमों को मौलिक रूप से बदलने का इरादा रखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि जल जमाव और अन्य समस्याओं को देखते हुए देश में रेलवे अंडर ब्रिज को यथासंभव रेलवे ओवर ब्रिज में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दुलाल चंद गोस्वामी, उदय प्रताप सिंह ने इस विषय पर पूरक प्रश्न पूछते हुए देश भर के रेलवे अंडर ब्रिज यानी कि RUB में जल जमाव की समस्या को उठाया है और सरकार से इस पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले अनिल देशमुख ने इससे बचने के लिए विशेष अदालत की अनुमति को बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी सुनवाई होना बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CBI ने अनिल देशमुख को मुंबई की आर्थर रोड जेल में हिरासत में ले लिया है जिन्हें स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरकारी अभियंता बनने के इंतजार कर रहे इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए MPPSC नौकरी करने का मौका देने जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अभियंता के पद पर भर्ती निकाली गई है। ये आवेदन 15 अप्रैल तक ली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी mppsc.mp.gov.in पर क्लिक करें और कुल 466 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यूक्रेन पर हमले की कीमत रूस के लोग झेल रहे हैं। रूसी करेंसी रूबल गिरते हुए डॉलर के मुकाबले 112 पर आ गई है। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर होने का असर है कि महंगाई चरम पर है। खाने पीने के सामान तक की कीमतें 40% से अधिक बढ़ी है। पिछले 2 हफ्तों में दूध के दामों में 2 गुने तक की वृद्धि हुई है। मेडिकल, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
योग गुरु रामदेव की रुचि सोया के बोर्ड ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के लिए 2 रुपए के फेस वैल्यू के साथ 6.6 करोड़ शेयर बेचकर 4300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी देती है। इस खबर के बाद रुचि सोया के निवेशकों के बीच शेयर बेचने की होड़ सी लग गई है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने मंगलवार को रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 5वें पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत रूस से कोयला सहित अन्य चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यूरोपीय संघ के पूर्वी भागीदारों के साथ आयोजित एक बैठक से पहले उर्सुला ने कहा है कि इस प्रतिबंध के तहत सबसे पहले 4 अरब यूरो के कोयले के आयात पर रोक लगाई जाएगी। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना अत्यधिक रिस्की भरा होता है, क्योंकि एक ही ट्रिगर से ऐसे शेयरों में कम फ्लोट फीचर के कारण हाई वोलेटिलिटी होती है, लेकिन स्मार्ट निवेशक पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं और छोटी अवधि में अपने निवेश पर चौंका देने वाला रिटर्न भी देते हैं। अनिल अंबानी के दिवालियापन कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खरीदारों की लिस्ट जारी हो गई है। रिलायंस कैपिटल ने शेयर बाजार को आवेदकों की लिस्ट सौंपी है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए कुल 55 कंपनियों ने बोली लगाई है। डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमत के बीच वैकल्पिक ईंधन की मांग तेज हो गई है। यहां तक कि सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों को बढ़ावा देने की बात कर रही है। इस बीच इथेनॉल की डिमांड बढ़ने के अनुमान पर कई स्टॉक्स की चाल ही बदल गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के शेयरों में पिछले कई दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल ये स्टॉक 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अप्रैल में ही सेल के स्टॉक में 10% से ज्यादा का उछाल आया है। अगर ठीक एक साल पहले 6 अप्रैल 2021 की बात करें तो उस समय सेल के एक शेयर का दाम 91 रुपए था। एशियाई विकास आउटलुक ADO 2022 को जारी करते हुए मनीला स्थित मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी ने कहा है कि 2023 में 7.4% तक पहुंचने से पहले दक्षिण एशिया में विकास 2022 में धीमा होकर 7% तक होने का अनुमान है। क्षेत्र में विकास की गतिशीलता काफी हद तक भारत और पाकिस्तान पर निर्भर करती है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन में विंड और सोलर की हिस्सेदारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो कि 2021 में 10.3% दर्ज की गई थी। वहीं 2020 में विंड और सोलर की मदद से 9.3% बिजली पैदा की गई थी। अच्छी खबर यह है कि साफ सुथरे स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर कोयले से ज्यादा हो गई है। गौरतलब है कि 2021 में ऊर्जा उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 36.5% थी, जबकि साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 38.3% पर पहुंच गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने मंगलवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से फोन पर यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने यह जानकारी दी। प्राइस ने कहा है कि विदेश मंत्री एंटोनी जे ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर बात की। कर्नाटक हिजाब विवाद में अब आतंकवादी संगठन अलकायदा की एंट्री हो गई है। आतंकी संगठन के सरगना अयमान अल जवाहिर ने हिजाब बैन को उत्पीड़न बताते हुए भारतीय मुस्लिमों को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसाया है। जवाहिरी ने 9 मिनट का वीडियो जारी कर कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान की तारीफ की है, और जिसने जय श्री राम का नारा लगाने वाली भीड़ के आगे अल्लाह अकबर चिल्लाया था। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद छात्र कई तरह के प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, लेकिन कुछ छात्र कई कारणों से इस तरह का कोर्स नहीं कर पाते। लेकिन पीछे की सबसे बड़ी वजह फाइनेंस होती है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए छात्रों को कॉलेजों में मोटी फीस देनी पड़ती है। बहुत से छात्र 12वीं के बाद जॉब की तलाश करना चाहते हैं। अडानी विल्मर के शेयर की लिस्टिंग भले ही कमजोर हुई हो, पर यह स्टॉक अब रॉकेट बन चुका है। कंपनी के शेयर आज 4.99% की तेजी के साथ 608.90 रुपए पर पहुंच गए हैं। ये इसका अब तक सबसे अधिक प्राइस है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और भत्ते को जल्द ही बढ़ोतरी करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक DA बढ़ोतरी के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है। भारत के पड़ोसी देश चीन में कोरोना एक बार फिर से खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को चीन में कोरोना संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि महामारी की शुरुआत के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। गौरतलब है कि चीन ने कोरोना को हराने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लागू की हुई है, लेकिन इस समय ये भी फेल नजर आ रही है। प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले प्रतियोगी उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI की तरफ से सिस्टर ग्रेड 2 टेक्नीशियन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के कुल 454 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। फ्रांसीसी राफेल के बाद अब अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर प्लेन से भारतीय सेना लैस होगी। दरअसल अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग अगले महीने अपने अत्याधुनिक F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भारत भेज रही है। गौरतलब है कि इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का भारतीय नौसेना गोवा में INS हंसा के तटीय टेस्ट सेंटर पर परीक्षण करेगी।
सर, हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है काजल कुमारी, प्रवीण कृष्णा, रंजीत मिश्रा, प्रीति, संदीप कुशवाहा, निशा कुमारी, प्रिया यादव, मिथुन मतलबी, अमन कुमार, अखिलेश कुमार, सुजीत कुमार, ऋतुराज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में गरीबों की मदद करने में केंद्र सरकार कामयाब हुई है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।